नमस्कार, भाग्योदय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देते हैं पंचांग की, बताते हैं दैनिक राशिफल। आज जो हमें पंचांग भेजा है वह पटना से प्रजात प्रसून जी ने भेजा है। तो देखते हैं क्या कह रहा है आज का पंचांग। आज उगाद 5123 है, विक्रम संवत 2078, शुक संवत 1943 है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रातः 6:36 तत्पश्चात द्वितीय तदनुसार 11 जुलाई 2021 दिन रविवार। आज राहु काल का समय है, दिन के 4:54 से शाम के 6:35 तक रहेगा। इस समय कोई भी अति महत्वपूर्ण कार्य ना करें, इसके पहले करें या इसके बाद करने की चेष्टा करें। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे, चंद्रमा कर्क राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। आज जो सूर्योदय हुआ है 5:16 पर और सूर्यास्त होगा 6:45 पर। दोस्तों, हम जिसकी खास चर्चा करते हैं वह है दिशा शुल्क की। आज रविवार को पश्चिम दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर पान या घी का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त का समय है आज दिन के 11:36 से 12:31 पर। जहां दोस्तों, तो ये था आज का पंचांग। अब जानते हैं क्या कह रहा है दैनिक राशिफल भी भेजा है हमें पटना से प्रजात प्रसन्न देने। सबसे पहले देखते हैं मेष जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपका दिन बेहतर रहने वाला है, मित्रों से मुलाकात हो सकती है, सकारात्मकता बनी रहेगी, छात्रों को लाभ भी होगा, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे, धन लाभ के संकेत हैं, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। अब अंत में वृषभ जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको कारोबार की स्थिति अच्छी रहने वाली है, यात्रा पर जाने का योग बन रहा है, शासकीय कार्य पूरे होंगे, धन संबंधी दिक्कतें दूर होगी, प्रभु की आराधना में मन लगेगा, मानसिक शांति मिलेगी। अब अंत में मिथुन जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप कोई जोखिम न लें, शत्रुओं से सावधान रहें, कोई आपके सरल स्वभाव का फायदा उठा सकता है, खर्च ज्यादा होने की संभावना बनी हुई है, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए चिंता हो सकती है। अवयंते कर्क जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपका दिन आज शानदार रहने वाला है, मित्रों से लाभ के संकेत है, पारिवारिक आयोजन हो सकता है, आर्थिक समस्या का हल भी होगा, सामाजिक आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं, सेहत अच्छी रहेगी। अवयंते सिंह जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपका रुका हुआ कार्य पूरे होंगे, व्यवसाय में तेजी आएगी, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा, परिवार की स्थिति बेहतर होने वाली है। अवयंते कन्या जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको अनजान व्यक्ति के कारण नुकसान हो सकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, कारोबार में लाभ होगा, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आज का दिन बेहतर होगा। अवयंते तुला जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है, आज आपको खुशखबरी भी मिलेगी, आज कार्य आसानी से पूरे होंगे, मानसिक रूप से आज आप मजबूत रहेंगे, निवेश के लिए समय अच्छा है, धार्मिक कार्यों में आप भाग ले सकते हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के संकेत हैं। अवयंते वृश्चिक जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको परेशानियों का समय व्यतीत हो सकता है, चोट लगने की संभावना है, तनाव रह सकता है, धन लाभ के संकेत हैं, शत्रु शांत रहेंगे, सेहत का खास ख्याल रखें। अवयंते धनु जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको सूचना मिलेगी, घर परिवार में आयोजन हो सकता है, रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है, खर्च ज्यादा होने की संभावना है, अविवाहितों के लिए रिश्ते आ सकते हैं। अवयंते मकर जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप सकारात्मक रहेंगे, परिवार का सहयोग भी मिलेगा, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, योजना फलीभूति होंगे, अध्यात्म की ओर झुकाव होगा, आर्थिक लाभ की संभावना बनी हुई है। अवयंते कुंभ जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको परिवार के किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है, तनाव दूर करने के लिए ईश्वर की आराधना करें, शांति आपको मिलेगी, विरोधी सक्रिय होंगे, व्यवसाय की स्थिति अच्छी रहने वाली है, यात्रा के दौरान सतर्क रहें। अवयंते मीन जातक वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपकी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, तनाव से बचने का प्रयास करें, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, छात्रों के लिए आज का दिन बेहतर होने वाला है, जोखिम कोई ना ले। जय दोस्तों, तो ये था आज का दैनिक राशिफल। भाग्योदय कार्यक्रम में आपने जाना पंचांग के बारे में और दैनिक राशिफल के बारे में। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ दिन।